हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल साक्षर मदर। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मैथ का क्वेश्चन पेपर पैटर्न पार्ट टू, जो कि यूकेजी पीपी टू के लिए है, जिसमें मैंने पिछले क्वेश्चन पेपर की तरह 18 क्वेश्चन अराइज किए हैं। इसका पार्ट वन अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दे दूंगी, आप वहां जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। मैंने इसमें 18 क्वेश्चन अराइज किए हैं जो कि यूकेजी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक से रिलेटेड हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, राइट देयर न्यूमरल्स। यहाँ पर नंबर नेम दिए हुए हैं, इनके न्यूमरल्स बच्चों को लिखने के लिए आएंगे। क्वेश्चन नंबर टू है, कंप्लीट द लाइन इन बैकवर्ड काउंटिंग। इन लाइंस को कंप्लीट करना है थ्रू बैकवर्ड काउंटिंग। 50 है, 49, 48, 43 है तो 42, 41, 73 है 72, 71, और इस तरह से बैकवर्ड काउंटिंग का कॉन्सेप्ट बच्चों को एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन के थ्रू आ सकता है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थ्री, इन राइटिंग द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट इन ऑर्डिनल नंबर। ये अल्फ़ाबेट जो है किस नंबर पर आते हैं। ए इज द फर्स्ट लेटर, यहाँ पे बच्चा क्या लिखेगा, फर्स्ट। बी इज द सेकेंड लेटर, सी इज द थर्ड लेटर, डी इज द फोर्थ लेटर। इस तरह से बच्चों को ऑर्डिनल नंबर का कॉन्सेप्ट दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर फोर है, वाट कम्स आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन। तो उसको इस तरह से घुमा के दिया जा सकता है कि द नंबर बिफोर 99 इज, 99 से पहले क्या आता है, तो 99 से पहले 98 आता है। यहाँ है डैश कम्स जस्ट आफ्टर 97, तो 97 के जस्ट बाद क्या आता है, तो 98 आता है। और इस तरह से घुमा कर दिए गए क्वेश्चन को बच्चों को सॉल्व करने में थोड़ी मुश्किल ज़रूर होती है, लेकिन अगर क्लास में उसे अच्छे से प्रैक्टिस करा दिया जाए तो वो बहुत आसानी से इनको सॉल्व कर लेता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव, काउंटिंग बाय 4s। यहाँ पर काउंटिंग बाय 4s दिया गया है, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, इस तरह से बच्चा 4s काउंटिंग करेगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सिक्स, पुट द करेक्ट साइन। ये ग्रेटर देन और लेस देन वाला कॉन्सेप्ट है जो बच्चों को क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेवन, सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर। इनमें से जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है बच्चा उनको सर्कल करेगा। यहाँ 95 जो है वो सबसे ग्रेटेस्ट है, तो बच्चा इसको सर्किल करेगा और इस तरह से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर एट, जिसमें कि एडिशन है, जो बच्चों को छोटे छोटे एडिशन जो है वो बच्चों को दिए जाते हैं। 7+8 यूकेजी में बोरो वाले एडिशन सिखा दिए जाते हैं, और इसलिए बोरो वाला ऐड या सब्ट्रैक्शन बच्चों को दिया जा सकता है। क्रॉस द स्मॉलेस्ट नंबर, यहाँ जितने भी नंबर हैं बच्चा इनमें से जो सबसे स्मॉल है, जो सबसे छोटा है, उसको क्रॉस करेगा। यहाँ है 47, 83, 55 और 73, तो यहाँ पर इस लाइन में 47 सबसे स्मॉल नंबर है, तो बच्चा इसको क्रॉस करेगा और इस तरह से इस पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट करेगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें सब्ट्रैक्शन है जो कि 7-4 इक्वल टू 3, इस तरह से बच्चा इसको बनाएगा। राइट द शेप्स नेम ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं इनको बच्चा इनके शेप नेम को यहाँ पर लिखेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन शॉर्ट फॉर्म। यहाँ पे बच्चा 7 10s and 4 1s, तो 74 एक साथ बच्चा यहाँ पर लिखेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है और मंथ से रिलेटेड ये फिल इन द ब्लैंक्स है। देयर आर डैश मंथ इन अ ईयर, तो यहाँ बच्चा लिखेगा 12, देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। लीप ईयर कम्स वंस एवरी डैश ईयर, यहाँ लिखेगा बच्चा 4, फोर्थ ईयर के बाद लीप ईयर आता है। उसके बाद है जनवरी इज द डैश मंथ ऑफ द ईयर, तो यहाँ बच्चा लिखेगा फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। दिसंबर इज द डैश मंथ ऑफ द ईयर, लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, सर्कल द इवन नंबर। यहाँ ऑड और इवन नंबर मिला करके दिए गए हैं, बच्चा को जितने भी इवन नंबर हैं उन्हें सर्कल करना होगा, जैसे 46, 78, 64,
20, ये जो इवन नंबर है बच्चा इनको सर्कल करेगा। क्वेश्चन नंबर 15 में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और यहाँ जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे क्वेश्चन जो हैं वो वीक से रिलेटेड हैं, वीक नेम से। हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक? 7 डेज। विच डे इज कंसिडर्ड एज अ हॉलीडे? संडे। विच डे कम्स बिफोर ट्यूजडे? मंडे। विच डे फॉल्स बिटवीन थर्सडे एंड सैटरडे? फ्राइडे। और इस तरह से डेज से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर बच्चा सॉल्व करेगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 में, फिल इन द करेक्ट नंबर इन द ब्लैंक्स। यहाँ देयर आर डैश पैसे इन 1 रुपी। 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं बच्चे? यहाँ लिखेगा 100 पैसे। यहाँ दिया हुआ है 20 रुपी प्लस 5 रुपी इज इक्वल टू डैश रुपी। यहाँ क्या होगा? 20 रुपी और 5 रुपी, यानी कि 25 रुपीज। डैश रुपीज प्लस 5 रुपीज इज इक्वल टू 20 रुपीज। यहाँ 15 रुपीज प्लस 5 रुपीज इज इक्वल टू 20 रुपीज। 20 रुपीज प्लस डैश इज इक्वल टू 30 रुपीज। तो 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30 रुपीज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है वर्ड प्रॉब्लम, जो छोटे छोटे वर्ड प्रॉब्लम या हाउ मेनी करके बच्चों को दिए जाते हैं। जैसे अ बॉय हैज़ 2 आइज, देन 4 बॉयज़ हैं। अब बच्चा इसको मल्टीप्लाई करके कंप्लीट करेगा। 8 बर्ड्स वेयर सिटिंग ऑन अ ट्री, 3 बर्ड्स फ्लू अवे, हाउ मेनी बर्ड्स वेयर लिफ्ट? कितने पक्षी वहाँ रह गए? अब क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो कंप्लीट द पैटर्न यहाँ दिया हुआ है। ट्राइंगल सर्कल स्क्वायर, ट्राइंगल सर्कल स्क्वायर। अब बच्चा क्या करेगा? ट्राइंगल सर्कल एंड स्क्वायर इस पैटर्न को कंप्लीट करेगा। 9, 12, 15, 18। अब बच्चा क्या करेगा? 9 से 12 में कितनी दूरी है? 10, 11, 12, 3। तो 3 नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो 18 में 3 प्लस करेंगे 19, 20, 21। तो इस तरह से बच्चा 3 इंक्रीज करते हुए लिखेगा। यहाँ पर है 90, 89, 1 डिक्रीज होता जा रहा है। 88, 87, 86, 85। इसके बाद है ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ई एफ, एफ जी, और इस तरह से करते हुए बच्चा इसको कंप्लीट करेगा। तो ये UKG का मैथ के क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2 था। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर ये ज़रा सा भी आपके लिए हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।